हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आई एम सोनाली सिंह. हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल. सो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ विंटर वेडिंग गेस्ट मेकअप. आजकल वेडिंग स्टार्ट हो चुकी है, वेडिंग के बाद रिसेप्शन भी होता है, तो अगर आप चाहें तो इस लुक को वेडिंग के लिए या फिर रिसेप्शन या फिर अदर कोई भी फंक्शन होता है तो एज अ बतौर गेस्ट आप इसे क्रिएट करके जा सकते हैं. एंड इस मेकअप की खासियत ये है कि ये बहुत ही इजी है और बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ मैंने क्रिएट किया है, जिसे कोई भी कर सकता है. एंड सारे ही जो प्रोडक्ट्स हैं मैंने अमेजोन से परचेज किए हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में और बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इसी तरीके से आपको मिलती रहे. नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो. सो मेकअप में सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगी गुड वाइब्स विटामिन सी एंड B3 फेस सीरम. ये वाटर सॉल्यूबल है तो इजीली मेरे फेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, एंड विटामिन सी है तो हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, मिलाज्मा, डिस्कलरेशन की जो भी प्रॉब्लम है उसे रिड्यूस करता है. तो इसलिए मैंने इसे सबसे पहले अप्लाई किया ताकि ये डायरेक्टली मेरी इंटरनल स्किन में एब्जॉर्ब हो. अब मैं अपने बालों को क्लच कर लेती हूँ, क्लचर के थ्रू सिक्योर कर लेती हूँ. एंड नेक्स्ट मैं अपनी स्किन को हाइड्रेट करूँगी, तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स कोकोनट फेस क्रीम. एक्चुअली आई लव कोकोनट, उसकी फ्रेगनेंस या जितनी भी चीज़ें होती कोकोनट की मुझे बहुत पसंद है, और इस क्रीम की फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है और ये स्किन को काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट भी करता है, साथ में बहुत प्यारा सा सॉफ्ट सा ग्लो भी आपके फेस पे नज़र आता है. तो इसलिए मैंने पहले इसे फेस पे अप्लाई किया, साथ में अपने नेक को भी कवर किया, बिकॉज जो भी मैं फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करूँगी, जो भी मेकअप, वो अपने गले को भी कवर करूँगी ताकि डिस्कलरेशन नज़र ना आए. नेक्स्ट मैं अपने लिप्स को भी हाइड्रेट कर लेती हूँ ताकि जो लिपस्टिक लगे वो स्मूथ दिखे. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का एब्सोल्यूट प्राइमर. ये प्राइमर आपकी स्किन पे नेचुरल ग्लो देता है. अगर आपका फेस डल नज़र आ रहा है या आपके फेस पे ग्लो नहीं है, आपने स्किन केयर पहले नहीं फॉलो किया है, तो ये सब कुछ उसे कवर कर देगा. तो इसलिए ये प्राइमर बहुत ही अच्छा है, एंड अगर आप ब्राइडल मेकअप या वेडिंग के लिए कर रहे हैं तो आप इस प्राइमर को पिक कर सकते हैं. नेक्स्ट मैंने जैकलिन हिल का पैलेट चूज किया है, ब्राउन और ब्लैक शेड को मिक्स किया, एंगल ब्रश लिया एंड देन अपने आईब्रो को सेट करना स्टार्ट किया. आईब्रो को अगर एंगल ब्रश के थ्रू सेट करते हैं अच्छे से सेट हो जाती है. अगर आपके पास ब्लैक कलर है तो आप सेट कर सकते हैं, जिनकी आईब्रो लाइट होती है उनके ऊपर ब्लैक शेड अच्छा लगता है. नाउ मैं यहाँ पे पिक किया है मेबलिन का कंसीलर, कैरामेल शेड है इसका, एंड इससे मैं अपने आईबॉल के ऊपर अप्लाई करूँगी ताकि आई शेडो का बेस क्रिएट कर सकूँ, क्योंकि इससे हमारा जो आईब्रो आई शेडो का मेकअप होता है वो क्लियरली नज़र आता है, अच्छे से दिखता है और निखर के दिखाई देता है, मतलब खिलता हुआ दिखता है. अब मैं इसे सेट करने के लिए यहाँ पे मेबलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करूँगी, जिसे मैं ब्रश के थ्रू ही लेके और इसे अच्छे से पैक कर दूँगी ताकि ऐसा ना लगे कि हमने कुछ अप्लाई किया हुआ है. नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लाइट ब्राउन शेड पिक किया, ब्रश पे लिया ब्लेंडर पे और उसे क्रीज पे अप्लाई करना स्टार्ट किया. सबसे पहले मैं क्रीज से ही स्टार्ट करती हूँ और लाइट शेड से स्टार्ट करती हूँ. तो इसे अच्छे से क्रीज पे अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट जो मैं पिक करूँगी वो डार्क ब्राउन शेड होगा, मतलब उसे थोड़ा सा और डार्क ब्राउन शेड, और इसे लेके उसी के ऊपर और उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी, मिक्स करती जाऊँगी. तो कोई अच्छा सा ब्लेंडर लें, वो थोड़ा पेशेंस के साथ इसे ब्लेंड करें ताकि अच्छा लुक आए. देन मैं ब्लैक कलर हल्का हल्का लूँगी मैट शेड में और उसे उसी क्रीज के ऊपर दोबारा से ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी, साथ में इससे इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर को भी कवर करूँगी. एंड बीच का जो आईबॉल का पोर्शन है उसे मैं थोड़ा सा लीप कर दूंगी, बिकॉज यहाँ पे मुझे कोई और शेड अप्लाई करना है. तो आगे का जो कॉर्नर है वहाँ पे थोड़ा सा कम अप्लाई करना है, बैक कॉर्नर पे ज़्यादा अप्लाई करोगे तो यहाँ पे यू कैन सी. एंड देन मैंने यहाँ पे कोई सी ग्रीन जैसा शिमर शेड था वो मैंने पिक किया है और उसे मैं इनर कॉर्नर पे फिल करूँगी, हाफ से थोड़ा ज़्यादा पोर्शन में, यानी कि आईबॉल को भी कवर करते हुए. एंड देन मैंने यहाँ पे फ्लैट ब्रश यूज़ किया है, उसके थ्रू ही इसे स्प्रेड करूँगी. तो थोड़ा पेशेंस के साथ अच्छे से अप्लाई करें, अच्छे से कवर करें, तभी आपका पूरा जो लुक होगा वो निखर के आएगा. एंड कॉर्नर पर मैंने थोड़ा सा और डार्क ब्लैक शेड फिल कर दिया है. अब मैंने यहाँ पे लैक्मे का आईलाइनर यूज़ किया है, मेरे पास और भी हैं, आपने देखा होगा अलग अलग वीडियो में अगर आप मेरे डेली व्यूअर हैं, बट इससे अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता. एक तो सस्ता है, 100 रुपये में आपको 110 में मिल जाएगा, दूसरा बहुत ईजिली अप्लाई हो जाता है, एक तो छोटा सा ब्रश है तो आप उसे ईजिली हैंडल कर सकते हो. नेक्स्ट मैंने मस्कारा अभी अप्लाई किया है, क्योंकि मैं लास्ट में मस्कारा ऑलवेज भूलती हूँ, तो मैंने सोचा पहले मैं मेकअप करने से पहले पूरा आई मेकअप मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लेती हूँ. अब मैं
आगे का मेकअप स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंसीलर पिक किया है कैरामेल शेड, जो कि मैंने पहले यूज़ किया था, एंड उससे मैं पहले अपने डार्क सर्कल या जो भी थोड़ा बहुत दाग धब्बे हैं उसे हाइड करूँगी, और इसे अपने हाई पॉइंट्स पे भी अप्लाई करूँगी, लाइक नोज़ बीज, मतलब जो कि अलग से दिखते हैं। तो अब मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और उसके थ्रू इसे ब्लेंड करना स्टार्ट कर दूंगी, यानी कि ब्लेंड कर दिया है उसे, वहीं पे ही पैक कर देना है। अब मैंने यहाँ पे दो मेबलिन की फाउंडेशन ली है, एक बहुत ज़्यादा डार्क है जिसका शेड है 310 और एक बहुत ज़्यादा लाइट है जिसका शेड है 128। सबसे पहले मैंने जो लाइट वाला था ना उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ली है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइट है, वो ब्राइटन फेस के लिए, और जो डार्क वाला है वो 330 है, तो इसलिए मैंने उसकी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी ली है। दोनों को मिक्स किया और देन फिंगर के थ्रू ही अपने पूरे फेस पे कवर कर दिया है और ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया है। मैं बहुत ज़्यादा फाउंडेशन नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि ऑलरेडी कंसीलर यूज़ कर लिया है, एंड मेरा जो प्राइमर था वो भी बहुत अच्छा था। कभी कभी तो मैं प्राइमरी लगा कर छोड़ देती हूँ, मतलब जैसे डेली बेस पे कभी रखना हो तो इसलिए फाउंडेशन की क्वांटिटी कम ही रखती हूँ, ताकि थोड़ा सा सफोकेशन भी ना हो। अब मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया, अब सेम ही मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करूँगी और उसे पूरे बेस को अच्छे से पैक कर दूँगी, यानी कि सेट कर दूँगी। अब मैं बोलती हूँ पैक कर दूँगी आई मीन कि फाउंडेशन अच्छे से सेट हो जाता है तो जो हैंड वगैरह होता है वो फेस पे समटाइम ध्यान तो रहता नहीं कि हमने मेकअप किया और खुजलाने लगती है, इचिंग होती है, तो उससे फाउंडेशन जल्दी से हटता नहीं है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल्स के गर्ल से प्रो कंसीलर, जो कि डार्क शेड में, और इससे मैं थोड़ा सा अपने हैंड पे लेके और डॉट डॉट करके फेस की कॉन्ट्रोरिंग करूँगी। देखिए ये स्टेप ओवल फेस वालों के लिए या फिर राउंड फेस वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मोस्टली चबी फेस वालों के लिए, जैसे कि मेरा है थोड़ा सा ज़्यादा चिक, देख रहे हैं कितने भरे भरे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जो जॉ लाइन होती है या नीचे की चिन लाइन होती है बहुत क्लियरली दिखती है, जिससे आपका कहते हैं ना नैन नक्श बहुत अच्छे से नज़र आते हैं, तो वो चीज़ को निखारने के लिए हम कॉन्ट्रोलिंग करते हैं। और जैसे जिनकी नोज थोड़ी सी, मतलब सबकी ऐसा होता है, कोई परफेक्ट नहीं होता, मेरी भी है थोड़ी सी, तो उससे हम शेप देने के लिए भी कॉन्ट्रोलिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको कॉन्ट्रोलिंग नहीं आती है, ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो आप सेम ही कॉम्पैक्ट पाउडर से उससे भी अच्छे से पैक कर दीजिए, जिससे वो सेट हो जाएगा और अलग से नज़र नहीं आएगा। नेक्स्ट ब्लशर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लैम 21 से। इसमें ब्लशर भी है, इसमें हाईलाइटर भी है, चमक भी है एंड कलर भी है, यानी कि आपके जो चिक होंगे उन्हें पिंक भी करेगा और साथ में शाइनिंग भी देगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे अलग से कोई भी हाइलाइटर यूज़ नहीं करूँगी। मैंने यहाँ पे देख रहे लास्ट वाला जो मिड का पोर्शन है, ब्राउन सा है कुछ गोल्डन, वो शेड पिक किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लशर यार मेरे जो चिक है ना ऑलरेडी पिंक लगते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट यूज़ करूँ ब्लू हेवन का पिंक शेड 08 शेड है, एंड ये बहुत ही प्यारा शेड है, और ऊपर से इतनी अच्छी और सस्ती लिपस्टिक है ना, सिर्फ 98 रुपये में आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है सभी प्रोडक्ट्स का। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ लोटस का मेकअप फिक्सर, एंड इसे मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी ताकि मेरा मेकअप सेट हो जाए। अब मैंने छोटी सी ब्लैक कलर की बिंदी लगाई है एंड ईयरिंग वियर किए हैं, नेकलेस मैंने पहले ही वियर कर लिया था, मैं बैंगल वियर कर रही हूँ, तो बैंगल भी मैंने अमेजोन से ली है, नेकलेस भी मैंने अमेजोन से लिया, और ये मेरा सूट है जो मैंने वियर किया हुआ ड्रेस, ये भी अमेजोन से लिया है, तो इनके भी लिंक आपको अलग से मिल जाएंगे, ताकि अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो आप ले लो, क्योंकि ऑलवेज आप ड्रेस का लिंक पूछते हो, तो मैंने सोचा कि मैं साथ में ही मेंशन कर दूंगी। तो ये रहा अपना फाइनली लुक। अगर आप मेहंदी के लिए स्पेशली, अगर आपकी मेहंदी भी है तो भी आप इस तरीके का मेकअप खुद से कर सकते हैं, या फिर आप वेडिंग गेस्ट के लिए जा रहे हैं, आपकी एनिवर्सरी है या आपका बर्थडे है फर्स्ट टाइम ससुराल में या कोई पूजा है, तो आप इस तरीके का मेकअप क्रिएट कर सकती हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो इंजॉय किया, तो वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स टू वॉच फुल वीडियो, लव यू ऑल, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाय बाय, टेक केयर।